back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and I am in Kolhapur. This is second part of Kolhapur food series. हमें बहुत मज़ा आ रहा है कोल्हापुर में traditional dishes खाकर. And let me tell you that part one is already live on the channel, जिसमें हमने बहुत सारी delicious चीज़ें खाई थी, like मिसर, वड़ा, पांडरा एंड तांबड़ा रसा, lots of delicious stuff. So make sure you watch that as well. मैं यहाँ पे कहीं पे लिंक कर दूंगी. आज के वीडियो में भी हम बहुत सारी ट्रेडिशनल डिशेज और स्ट्रीट फूड खाने वाले हैं. वी आर गोइंग टू हैव सम मटन थाली, वी आर गोइंग टू हैव द फेमस लोनी डोसा एंड लॉट्स मोर स्ट्रीट फूड. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अभी ये वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं बाई वॉट कोल्हापुर इज नोन फॉर, अ मटन थाली. आई वॉज सो कन्फ्यूज दैट विच रेस्टोरेंट शुड आई चूज़ फॉर मटन थाली. बाय द वे पार्ट वन में जो हम परक होटल गए थे, होटल परक, दैट होटल इज सुपर्ब फॉर मटन थाली इन केस वे लुकिंग फॉर. बट देन फॉर प्रॉपर मटन थाली आई वॉज लाइक कहाँ जाऊँ, देर वॉज देहाती, देर वॉज ओपल. बट आई रियली वॉन्टेड टू कम एट दिस प्लेस कॉल्ड होटल पद्मा. 75+ ईयर्स ओल्ड है और दिखने में एक्चुअली लग भी रहा है, लाइक लुक एट द इंटीरियर, सो विंटेज. सो लेट्स गो एंड हैव आवर मटन थाली. कश्मीर के लोगों के लिए होता है रोगन जोश, बंगाल के लोगों के लिए कोशा मांसो, वैसे ही कोल्हापुर के लोगों के लिए होती है मटन थाली. इतनी चहेती है यहाँ के लोगों के लिए. एंड क्यों नो, वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है कोल्हापुर की मटन थाली. सो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक अच्छी खासी स्प्रेड ले ली है. ये देखिए, दिस प्लेस इज 75+ ओल्ड, सेटअप इन 1947 और यहाँ की मटन थाली दे से इज़ लाइक प्योरली ट्रेडिशनल. सो मैंने ले ली है एक मटन कीमा थाली. सो हियर आई हैव सम भाकरी, हियर आई हैव पांडरा रसा, तांबड़ा रसा, यहाँ पर है मटन जो इनका स्पेशल मटन इसे ही कहते हैं. हियर आई हैव सम मटन कीमा, यहाँ पर है अनियन नींबू, यहाँ पर है मटन राइस. अब ये इसके साथ नहीं आता है, फिर भी मैंने ऑर्डर किया है. हियर इज़ सम पापड़ और मैंने यहाँ पर एक डिज़र्ट भी ऑर्डर किया है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ. दिस ऑल्सो डजेंट कम विद द थाली, मैंने सेपरेटली ऑर्डर किया है. थाली में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. सबसे पहले हम ट्राई करेंगे तांबड़ा रसा. तांबड़ा रसा इज़ बेसिकली लाइक अ मीट स्टॉक, सपोज टू बी स्पाइसी रेड करी. ये मटन थाली में एक एपेटाइज़र के तौर पे भी एंजॉय किया जाता है. फायरी स्पाइसी, जो स्पाइसेस होते हैं वो लिटरली आपके थ्रोट को जाके हिट करते हैं. एकदम सूप टाइप कंसिस्टेंसी है. वैसे मैंने पहले पार्ट में आपको डिटेल में तांबड़ा और पांडरा रसा दिखाया है, वहाँ पे जाके पक्का देखिए. द बेस्ट थिंग जब आप पीते हो फर्स्ट सेकेंड में तो कुछ इतना फील नहीं होता है, फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड सेकेंड इट जस्ट लाइक hits you, the spices hit you. Now I'm trying some pandra rasa. Pandra rasa mein ek prominent taste hai coconut ka, coconut milk use kiya jata hai. Then spices also like cinnamon, cloves, very nice. Abhi sabse pehle main try karne wali hoon मटन कीमा. काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑयल दिख रहा है बट मटन दिखने में ऐसे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से भुना हुआ है. Using onion and spices. Oh wow, very flavorful. आप onion और मटन को जब बहुत देर तक भूनते हो तो उसका जो एक फ्लेवर आता है वो इसमें है. ऑयल का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, नॉट वेरी स्पाइसी, इनफैक्ट काफ़ी फ्लेवरफुल है ये. यू विल एक्चुअली बाइट इन टू सम रॉ अनियंस इज वेल. ये देखिए ऑयल का प्रोपोर्शन देखिए, इसमें ब्लैक पेपरकॉर्न्स बहुत सारे डाले हुए हैं. इट्स ब्रिंगिंग ऑल द हीट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपरकॉर्न्स और इसमें एक ऐसी चीज़ जाती है जिसके वजह से ये थाली इतनी पॉपुलर हो जाती है. उसमें पड़ता है कोल्हापुरी मसाला. अब ये जो कोल्हापुरी मसाला है इट्स लाइक अ ब्लेंड ऑफ मेनी हॉट स्पाइसेस. इट्स नॉट स्पाइसी बट इट्स वेरी हॉट इन नेचर. अभी ट्राई करते हैं स्पेशल मटन. ये देखिए, गुड जूसी पीसेस ऑफ मटन इन दिस अनियन टमेटो सेमी ड्राई ग्रेवी जो हम ये भाकरी के साथ खाएंगे. भाकरी भी काफ़ी कमाल की है, पतली है. वाओ, यू नो आई एम एक्चुअली मोर ऑफ अ चिकन लवर देन अ मटन लवर. काफ़ी जगहों पे मटन थोड़ा सा भी अंडर कुक्ड हो ना, आई डोंट लाइक इट एट ऑल. बट दिस सो वेल कुक्ड, सो जूसी मटन. आप ये देखिए, विदाउट एनी एफर्ट इतना ईजीली ये ब्रेक हो जा रहा है और इसके जो जूसेस हैं, स्पाइसेस हैं, पूरे मटन के अंदर तक घुस चुके हैं. इतना ये फ्लेवरफुल है. आई वुड से ये जो ग्रेवी है इतनी स्पाइसी नहीं है. सेमी ड्राई अनियन टमेटो ग्रेवी है विद लॉट्स ऑफ स्पाइसेस. इसमें मुझे लग रहा है कोकोनट भी यूज़ किया गया है क्योंकि मुझे उसका भी एक अच्छा खासा स्वाद आ रहा है.
I think what makes this thali so special is the blend of masalas. जो भी इसमें इलायची, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोलापुरी मसाला सब डाला हुआ है, इवन जीरा पाउडर, देन कोकोनट मिल्क, एवरीथिंग कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग दिस जूसी मटन करी द बेस्ट. सो ईजी टू जस्ट ब्रेक अपार्ट. आई एक्चुअली लाइक देयर स्पेशल मटन मोर देन कीमा. नाउ लेट्स हैव सम राइस. दिस इज मटन राइस. बीच में यहाँ पे मटन का एक पीस है एंड दिस नाइसली कैरमलाइज्ड राइस. राइस तो इतने फ्लेवरफुल है. फ्लेवर विद थ्री मेन इंग्रेडिएंट्स: बे लीव्स जो तेज पत्ता होता है, कैरमलाइज्ड अनियंस जो थोड़ी थोड़ी क्रंची हल्के से स्वीट, एंड इलायची, ऑल्सो सम जीरा. नॉट स्पाइसी. इनफैक्ट ये जो करीज है इनका फ्लेवर एकदम अच्छे से वो सोक कर लेगा राइस. अभी लास्ट में हम खाने वाले हैं ये डिज़र्ट. ये एक पोर्चुगीज पुडिंग है या एक गोवन पुडिंग जिसका नाम है सेरा डुरा. तो ये क्या है, एक नो बेक पुडिंग है जिसमें लेयर्स हैं ऑफ बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स एंड विप्ड क्रीम. देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, मेरा फर्स्ट टाइम है ये ट्राई करते हुए. वाओ, इट्स नॉट विप्ड क्रीम, इट्स एक्चुअली क्रीम चीज़, और इसका टेस्ट काफ़ी चीज़ केक जैसा है. इसमें जो बिस्किट यूज़ किया गया है वो काजू का है, तो काजू का एक बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. वेरी नाइस, नॉट वेरी स्वीट. थैंक यू. ओवरऑल लव द थाली हियर. आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आ सकते हो, काफ़ी यम्मी थाली है. That we have come to is another very popular one in Kolhapur. It's called Davangiri Loni Dosa Center. यहाँ पे आपको मिलता है लोनी डोसा. लोनी means white butter या मक्खन भी जिसे हम कहते हैं. तो मक्खन का use करके यहाँ पे डोसा बनते हैं. And mind you, इतना सारा मक्खन use करते हैं, दोनों ही बाजू इतना इतना सारा मक्खन डाल के इन्होंने ये डोसा बनाया. ये देखिए, बहुत सारे locals को कोल्हापुर में लोनी डोसा खाना काफ़ी पसंद है. दिस डोसा लुक्स सो क्रिस्पी. ये पतला नहीं है, मोटा है. और जो आलू की जो भाजी होती है जो अंदर डालते हैं यूजुअली डोसा में, वो साइड में देते हैं अलॉन्ग विद दिस कोकोनट चटनी. लुक एट द डोसा, ये कितना ज़्यादा चमक रहा है. और ये पूरी चमक आ रही है मक्खन के वजह से. वैसे यहाँ पर आपको स्पंज लोनी डोसा भी मिल जाता है. ओ हो हो, ये इतना ग्रीसी है, मैं आपको बता दूँ. सिर्फ इसको टच करके मेरे हाथ देखिए, पूरा मक्खन मेरे हाथों पे लग गया है. ये काफ़ी ज़्यादा थिक है डोसा अगर आप देखेंगे. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. ओ वाओ गाइस, आई एम नॉट किडिंग. जो लोनी है विच इज़ वाइट बटर या मक्खन, पूरा टेस्ट ऑक्यूपाई कर लिया है लोनी ने. इतना सारा मक्खन डालने के बाद भी दिस इज़ सो क्रिस्पी, इट्स वेरी नाइस. डोसे का टेक्सचर एक्चुअली काफ़ी कमाल का है. बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम ऐसा स्पंजी. ये आलू वेरी नाइसली कुक्ड, मस्टर्ड सीड्स, ग्रीन चिलीज, धनिया, ढेर सारी हल्दी. आलू कम्प्लीटली ये मैश्ड है, एकदम सॉफ्ट. एंड दिस कोकोनट चटनी मेड विथ फ्रेश कोकोनट्स, डिलिशियस. वाओ, इवन दो ये गर्मा गर्म डोसा में बहुत ज़्यादा मक्खन है, ये इतना हैवी नहीं है खाने में, काफ़ी सेटिस्फाइंग और अच्छा लग रहा है. या पक्का ट्राई कीजिए अगर आप कोल्हापुर आते हो तो. गुड इवनिंग. अभी हम लोग आ गए हैं जसवंत स्वीट्स के पास. 19 ईयर्स ओल्ड ये एक ईटरी है जहाँ पे आपको स्वीट्स, स्नैक्स और फरसान के आइटम्स मिल जाते हैं. ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है व्हेन इट कम्स टू स्नैक्स, बट यहाँ के स्नैक्स अपेरेंटली काफ़ी पॉपुलर और फ्रेश हैं. सो दे हैव ढोकला,
दे हैव कांदा कचोरी, कचोरी मैं आपको पूरा यहाँ पे मेन्यू ही दिखा रही हूँ। यहाँ पे इनकी कचोरी और ढोकला काफ़ी फेमस है, इनके समोसास भी काफ़ी अच्छे हैं मैंने ऐसे सुना है। सो आई हैव टेकन अ प्लेट ऑफ ढोकला जिसमें 3 पीसेज आते हैं, 30 रुपीज़ का ये एक प्लेट है जिसमें इतने बड़े बड़े ढोकले हैं गाइज। ये देखिए 1 पीस ऑफ ढोकला इज़ दिस बिग, उसके ऊपर इन्होंने 2 चटनीज डाली हैं। ढोकला जैसे काफ़ी मॉइस्ट और सॉफ्ट हैं। ओह वाओ, वेरी मॉइस्ट सॉफ्ट, टेक्सचर वाइज इट्स जस्ट परफेक्ट। ऊपर जो चटनी डाली हुई है एक कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज की चटनी है और एक मीठी चटनी है, ऊपर से सेव भी ढेर सारा डाला हुआ है, वेरी नाइस। एक चीज़ जो मैं इनके रिव्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुन रही थी, इसके यहाँ पे आपको सब कुछ बहुत फ्रेश मिलता है एंड दैट इज़ ट्रू, इट टेस्ट सुपर फ्रेश। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर ट्राइंग हियर इज़ अ कचोरी, यहाँ पे कांदा कचोरी भी है बट हमने यहाँ पे इनकी बेसिक मूंग दाल कचोरी ले ली है जिसपे ऊपर से इन्होंने सेव और दही डाली है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, अंदर जो इन्होंने चटनी डाली, ओके कचोरी काफ़ी फ्लेवरफुल है, अंदर जो चटनी डाली हुई है टू गुड, अंदर मूंग दाल डाला हुआ है, अंदर आप देखेंगे बहुत सारी चटनी, मूंग दाल, सौंफ डाली हुई है, स्टफिंग एकदम कमाल की है, चटनी एकदम कमाल की है। ओनली थिंग आई फील इज़ कचोरी मेरे को उतनी खस्ता नहीं लग रही है। वन वेरी गुड थिंग इज़ कचोरी इतनी ऑयली नहीं है, इट्स लाइक नाइस बट इट्स ओके, लाइक मैंने इससे भी काफ़ी बेटर कचोरी खाई है बट नॉट बैड, आई लाइक ढोकला मोर। मटन थाली तो सुना है बट आपने कभी आइसक्रीम थाली का नाम सुना है? ये जो जॉइंट है जहाँ पर हम नेक्स्ट आए हैं इट्स कॉल्ड किगा आइसक्रीम, कोल्हापुर में काफ़ी पॉपुलर है फॉर इट्स आइसक्रीम थालीज। तो यहाँ पर आपको बहुत वैरायटी की आइसक्रीम थालीज मिलती हैं विच इज़ बेसिकली डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन टू अ थाली, लिमिटेड शेयरिंग, ऐसे 2 ऑप्शन होते हैं। उसके अलावा एक चीज़ जिसके वजह से मैं यहाँ पर आई इस, यहाँ पे आपको इतने अतरंगी फ्लेवर के आइसक्रीम मिलते हैं कि मैंने कभी सुना भी नहीं होगा, जैसे पानीपुरी आइसक्रीम, मिसल आइसक्रीम, पूरनपोली आइसक्रीम, मोदक मस्तानी, गुलकंद आइसक्रीम, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स मिलते हैं। सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई पूरनपोली आइसक्रीम, मुझे ट्राई करनी थी बट वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी, सो आई एम ट्राइंग गुलकंद आइसक्रीम क्योंकि गुलकंद मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड आई हैवन ट्राइड अ आइसक्रीम। यहाँ के ओनर बोल रहे थे कि हम आइसक्रीम में कुछ एसेंस यूज़ नहीं करते, सब नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो इसको भी बनाने के लिए नेचुरल गुलकंद पूरा यूज़ किया गया है, जो मुझे एक्चुअली ऐसे गुलकंद के पीसेज ऐसे दिख भी रहे हैं। वाओ, आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट बट इट्स नाइस। ये जो आइसक्रीम का बेस है इट्स रोज, लाइक रोज फ्लेवर्ड आइसक्रीम है जिसमें गुलकंद, लाइक लिटरली गुलकंद के ऐसे पीसेस डाले हुए हैं, तो एवरी बाइट में गुलकंद का स्वाद आ रहा है एंड इट्स नॉट वेरी स्वीट, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा गुलकंद का ही टेस्ट आ रहा है। तो हम ऐसे रोज़ शरबत नहीं पीते, उसका टेस्ट और गुलकंद का काफ़ी प्लेजेंट टेस्ट है ऐसा, और बीच बीच में थोड़ा क्रीम का भी टेस्ट आ रहा है, लाइक क्रीमी एक ऐसा टेस्ट कैसा होता है, तो समझो आपने शरबत और दूध को मिक्स किया तो ऐसा उसमें अगर क्रीम आ गई तो उसका कैसा टेस्ट होता है, होप यू अंडरस्टैंड। वेरी हटके बट वेरी नाइस। जब भी कोल्हापुर के फूड की बात आती है बहुत लोग सिर्फ नॉनवेज स्पेशलिटीज़ पर ही ध्यान देते हैं बट कोल्हापुर हैज़ अ लॉट ऑफ वेज डेलिकेसीज़ ऑल्सो, और अभी हम आ गए हैं एट दिस प्लेस कॉल्ड माई मराठी
श्री महालक्ष्मी महिला गृह उद्योग. ये 20 इयर्स प्लस ओल्ड है ये जॉइंट. एंड यहाँ की जो ओनर है शी टर्न्स आउट टू बी माय सब्सक्राइबर. एंड शी वाज टेलिंग मी कि उनकी मॉम ने ये जॉइंट स्टार्ट किया था लाइक अ स्मॉल टिफिन सर्विस जॉइंट. तो यहाँ की जो भी रेसिपीज है उनकी मॉम की हैं. सो द फूड हियर इज़ गोइंग टू टेस्ट वेरी होमली. सो यहाँ पे हमने दो चीज़ें ऑर्डर की हैं. वन इज़ पिटला भाकरी एंड वन इज़ थाली पीठ. सो पिटला भाकरी यहाँ पर है, ये देखिए. तो ये एक थाली है और मैं एक बार आपको इनका फटाफट मेन्यू भी दिखा दूँ. तो आप मेन्यू में देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं. दे ऑल्सो हैव अ बंच ऑफ वेज थालीज़ टू ट्राई फ्रॉम. तो हम ट्राई कर रहे हैं ये पिटला भाकरी. और यहाँ पर हमारी थाली पीठ भी आ गई है, ये देखिए. दिस इज़ काकड़ी थाली पीठ. आप कांदा थाली पीठ भी ले सकते हो, चीज़ भी डलवा सकते हो. सो दीज आर द टू थिंग्स वी आर ट्राइंग टूडे. सबसे पहले हम पिटला भाकरी ट्राई करेंगे. पिटला ऐसे समझो कि बेसन की एक करी है, जैसे बेसन स्पाइसेस और कांदे के साथ बनती है. थिक कंसिस्टेंसी है इसकी. ये खाते हैं हम भाकरी के साथ. और यहाँ पर चार चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा दूँ. एक है ये ठेचा अचार कोशंबी जो गाजर का है, एंड दिस वन चटनी ऑफ कोकोनट लाइक ड्राई कोकोनट. तो चलो लेट्स क्विकली ट्राई दिस. इसमें मुझे करी लीव्स और मस्टर्ड सीड्स भी दिख रहे हैं. सो ये बेसन स्पाइसेस और कांदे से बनता है जैसे मैंने आपको बोला. ओहो हो वाओ. इसमें एक्चुअली एक मसाला डाला गया है विच इज़ लाइक कोल्हापुरी मसाला, जो अनियन और गार्लिक का मसाला होता है, एंड सम मोर हॉट स्पाइसेस. ये एक्चुअली इतना होमली है. इसमें स्पाइसेस का क्या कमाल का फ्लेवर आ रहा है. गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, मस्टर्ड सीड्स हो गए. बहुत सारी जो हम कोल्हापुरी डिशेस खा रहे हैं स्पेशली करी डिशेस, उसमें वो लोग जो मसाला यूज़ कर रहे हैं अनियन और गार्लिक का, दैट इज़ एनहेंसिंग द फ्लेवर सो मच. बेसन को बहुत भुना गया है विद लॉट्स ऑफ गार्लिक अनियन. वेरी नाइस. क्या फ्लेवर्स हैं कमाल के. जो कोशंबीर है जस्ट कैरेट मस्टर्ड सीड्स एंड ग्रीन चिलीज, वेरी नाइस. तो पिटला भाकरी तो मुझे बहुत अच्छा लगा. भाकरी भी काफ़ी कमाल की है. इवन दो इट्स स्पाइसी बट ये खाने के टाइम आपको एक्चुअली लगेगा कि कितना ऐसा होमली फील है. थोड़ा ये अचार के साथ मैं खा के देखती हूँ. मिक्स अचार है ये. हियर वी आर गोइंग टू ट्राई सम थाली पीठ. ये ऊपर से मक्खन डाला है इन्होंने, जिसे लोनी भी कहते हैं. सो थाली पीठ एक्चुअली बनता है आटे से. इसमें सेसमे सीड्स दिख रहे हैं मुझे और एक काकड़ी का है. जब इसका आटा बनाया होगा तो इसमें श्रेडेड क्यूकम्बर भी डाला होगा. उसके ही साथ यहाँ पर हमारे पास है ये चना, ठेचा, दही. सो क्रिस्पी. एक बार ये मैं मक्खन अच्छे से फैला दूँ. फ्रेश इंग्रीडियंट्स, सेसमे सीड्स, धनिया, काकड़ी, क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा हिंग, आटा. इन सबको अच्छे से साथ में भूनना है. एंजॉइंग विद दिस फ्रेश दही. और ऊपर से मैं थोड़ा ये मूंगफली का अचार टाइप है जो डाल रही हूँ. गाइस ये इतना होमली फील कर रहा है. क्या कमाल के फ्लेवर्स हैं. वेरी लाइट, नॉट स्पाइसी एट ऑल. इनफैक्ट काकड़ी और धनिया का सबसे ज़्यादा टेस्ट आ रहा है. फिर जब आप इसको वाइट बटर, दही और जब आप ये ग्राउंडनट्स के साथ खाते हो, टू गुड. अभी मैं थोड़ा ये चना के साथ खा के देखती हूँ. लेट्स ट्राई विथ सम ऑफ दिस चना जो टमाटर में बना हुआ है. हल्का सा टैंगी, हल्का सा स्पाइसी, बट आई वुड प्रेफर इट विद दही. थाली पीठ एक्चुअली एक टिपिकल महाराष्ट्रियन डिश होती है जो बहुत सारे महाराष्ट्रियन हाउस होल्ड्स में बनती है एज अ स्नैक और समटाइम्स एज अ मील ऑल्सो. आई लव इट. वेरी होमली, वेरी यम्मी. अगर आप कोल्हापुर में हैं और अगर आपको महाराष्ट्रियन फूड ट्राई करना है, पाव भाजी, तवा पुलाव, थाली पीठ, महाराष्ट्रियन वेज थाली, पिटला भाकरी, ये सब, तो आप पक्का यहाँ पर आइए. सो ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर आपको वेज पांडरा रस्सा भी मिलता है. सो द ओनर हियर वाज टेलिंग अस दैट दे मेक दिस पांडरा रस्सा विद तिल विच इज सेसमे सीड्स and coconut spices. ये देखिए. So for all the vegetarian lovers, if you want to try some pandra rasa, you know where to get it. चलिए try करते हैं. Oh wow, मुझे नहीं लग रहा था ये इतना similar taste करेगा to the pandra rasa we had in Parak. It's actually very similar, even though it's veg, tastes yummy. It has a little smoky, meaty flavor. इसमें कोकोनट, अनियन, जो भी स्पाइसेस हैं जैसे इलायची, लौंग, टू गुड. इन सब का भी स्वाद आ रहा है.
यहाँ पे कोल्हापुर में आके जब आप ये रसास ट्राई करते हो, इतना ऐसा होमली वॉर्म फील होता है. वेरी नाइस. ओके गाइज, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज फूड वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. हमें तो बहुत मज़ा आया कोल्हापुर में फूड एक्सप्लोर करके. मेक श्योर यू विजिट ऑल दीज प्लेसेज एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू डू. टुडेज कॉमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल. थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कॉमेंट. अगर आपको चाहिए कॉमेंट शाउट आउट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लीव अ कॉमेंट बिलो. दैट्स इट. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम. टू देन फाउ पियो खुश रहो. बाय.